जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों आप लोगों को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 53 को। साथियों सेट नंबर 53 हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सेट नंबर 52 तक हम लोग का टोटल जो है पहले कंप्लीट हो चुका है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे, दोस्त हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो कि रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ था 2018 में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग नीचे भी स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हम लोग को देखने को मिलेगा साथियों, देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार फिर स्क्रॉल करते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन का फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। इसी प्रकार आप लोग को हम टोटल जो है 20 क्वेश्चन रोजाना प्राप्त करवाते हैं, वो रहता है साइंस का जो कि अभी हम आप लोग को कंप्लीट करवाने हैं, साइंस का सेट नंबर 53। और इसी प्रकार शाम के टाइम में आप लोग का जीके जीएस का भी क्लास जो है कंटिन्यू चल रहा है जिसका हम लोग सेट नंबर 10 तक शायद कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, दोस्तों हम आप लोग को रेलवे का पूरा तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी तरीके सेट नंबर 53 के क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है, कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है ये बतलाना है। तो जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे बोलना चाहेंगे आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए भैया, और कॉपी पर अपना राइट आंसर जो है एक साइड नोट करिए, हमारे राइट आंसर को एक साइड नोट करिए, और लास्ट में दोनों को मैच करके जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। दोस्त इससे आप लोग को भी मालूम चलेगा कि आप लोग का अभ्यास कितना भी मजबूत हुआ है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो जो अंडक होता है ना ये आप लोग का फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंडक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है, फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है आप लोग का जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों अंडप नहीं कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा पुंकेसर आप लोग की यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाई। देखिए फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है भैया, तो पुंकेसर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, किसके लिए भैया, तो प्रजनन के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ब्राह्मद और पुंकेसर तो नहीं होगा, पुंकेसर और फिर स्त्री केसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा था क्वेश्चन की प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो पुंकेसर और फिर स्त्री केसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन को। जितने भी भाई अभी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग से आग्रह करेंगे दोस्त, प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को सभी भाई लोग मिलकर के प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप में अपने दोस्तों मित्रों के पास 5-10 दोस्त हैं सभी के पास प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ी सी आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लासेस का व्यवस्था कर पाए। साथियों लाइव क्लासेस के लिए अभी हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं है, किसी तरह से हम आप लोगों के लिए जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप लोग से निवेदन करके प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी आप लोग हमारे द्वारा कराए गए क्लास को वॉच करते हैं ताकि हम भी कुछ रुपए आते हैं तो आप लोग के लिए लाइव क्लासेस का उपाय कर पाए और आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट करा पाए जिसमें मैथ रीजनिंग सारा आप लोगों का क्लासेस चालू कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग फोन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडक कैपिटिलियम पुष्पक्रम जो है यह पाया जाता है, मुंडक पुष्पक्रम जो है पाया जाता है कहाँ पर होगा भैया, गेंदा में, सूर्यमुखी में, दोनों में या फिर बरगद में। तो ये तो क्वेश्चन हम आप लोग को शायद कल भी कराए थे, इसका राइट आंसर आप लोग का किसमें हो जाएगा भैया, सूर्यमुखी में होगा, किसमें होगा, सूर्यमुखी में। मुंडक किसमें पाया जाता है भैया, सूर्यमुखी में पाया जाता है। आगे बढ़ जाए फाइव नंबर, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाई। देखिए ब्राह्मदल पुंज कहा जाता है क्या, नहीं, पुष्पासन कहा जाता है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा,
फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पुष्पासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आप लोग को शाम के टाइम में जीके जीएस का भी कराया जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन और उसके पैटर्न पर आधारित नए नए क्वेश्चन और टीसीएस का भी क्वेश्चन, टीसीएस का ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि आप लोग का टीसीएस रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसलिए टीसीएस का भी क्वेश्चन, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जिस पीडीएफ में साथियों साइंस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जीके की बात कर ले तो 8000 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा जीके जीएस का। उसके साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है 1800 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मैथ और फिर रीजनिंग का, यानी कि रेलवे का आप लोग का सभी सब्जेक्ट, ये हो गया आप लोग का साइंस का, ये हो गया आप लोग का जीके जीएस का, उसके बाद हो गया ये आप लोग का स्टैटिक जीके का, यानी कि साथियों पांचों आप लोग के सब्जेक्ट के लिए आप लोग का रेलवे में क्या पूछता है, साइंस पूछता है, जीके पूछता है और उसके बाद मैथ और रीजनिंग, यही आप लोग का चार सब्जेक्ट पूछता है। तो सभी के लिए हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं और टीसीएस पैटर्न पर नए क्वेश्चन डाले गए हैं और उस पर जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं जो रेलवे के द्वारा पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके डाले गए हैं, जिसमें साथियों आप लोगों की क्वेश्चन की संख्या बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है साथियों। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं जिसमें अगर टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 20000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका मूल्य साथियों 100 रुपीज रखा गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो बाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए भैया रामबाण साबित होगा। हम इस प्रकार से आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किए हैं, तो आप लोगों के लिए वो नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उस पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत सारे बच्चों ने अभी बाय भी कर लिया, अगर आप लोग का मन हो तो ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का और भी कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट करा ही रहे हैं साथियों, तो अगर आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870141238 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बोलिएगा कि भैया हमें साइंस का रेलवे के लिए प्रिपरेशन करना है तो हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो पीडीएफ साथियों आप लोगों के लिए रामबाण रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए 100% बोलेंगे क्योंकि वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम खुद डाले हुए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये भी आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। इसका आप लोग का राइट आंसर आइए देखा जाए, वसा मुक्त अम्ल नहीं, अमीनो अम्ल नहीं, स्टार्च, हाँ भैया स्टार्च कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्टार्च। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्टार्च। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप लोग के पास चार ऑप्शन है, स्टार्च, सेलुलोज, ऊन या फिर प्राकृतिक रबर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन एक प्रोटीन है भैया। प्रोटीन आप लोग को नॉर्मली मालूम होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही वीवीआई भी क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि देखिए ये सब जितने इजी क्वेश्चन रहते हैं ना वही सब क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, ऐसा होता है कई बार भी एग्जाम में। तो देखिए कौन सा जो है एक प्रोटीन है, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्टार्च नहीं, सेलुलोज नहीं, ऊन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन में जो तेल की मात्रा है वो कितनी है भैया, ये आप लोगों को बतलानी है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, सोयाबीन में जो है तेल की मात्रा कितनी होती है, तो 20% होती है, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 20%, इसे इधर ही ले लिया जाए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 20% होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग देखा जाए ठीक इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है प्रोटीन, वसा, फ्रुक्टोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, कार्बोहाइड्रेट। क्या कह रहा था क्वेश्चन, मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को, जितने भी भाई वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज आप लोग से निवेदन करें कि वीडियो को सभी लोग मिलकर के शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग दोस्त सेट नंबर 53 हम आप लोग को अभी कंप्लीट करा रहे हैं ना, तो सेट नंबर 53 तक अगर आप लोग क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट दे दिया गया है, जिसमें कि आप लोग का साइंस के टोटल 52 क्लासेस जो है वाच कराए गए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट करते हैं तो उनको नहीं मालूम रहता है डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर नए नए भी आए होते हैं तो उनको बतलाना चाहेंगे। देखिए आप लोग जैसे चैनल पर विजिट करते हैं ना, तो यहाँ पर आता है होम, वीडियो, शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को आ जाना है। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए जीके जीएस का टोटल प्लेलिस्ट है, यह है आप लोग का विज्ञान का प्लेलिस्ट। इसी प्रकार आप लोग का मैथ रीजनिंग का भी तुरंत बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे साथियों, आप लोग को वेट नहीं करने देंगे, ये हम वादा करेंगे। तो आप लोग किसी में भी देखिए, जैसे ये विज्ञान वाला हो गया, इस पर टिपते हैं तो देखिए आप लोग के टोटल यहीं पर क्लास उपलब्ध पहले के मिल जाएंगे, जिसमें कि सभी आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आप लोग आकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा साथियों, आप लोगों के लिए रामबाण ये सारे क्लासेस कराए गए हैं। और पीडीएफ को तो जरूर बाय कर लीजिएगा, जो इसका नंबर हम आप लोग को व्हाट्सएप नंबर बतला ही दिए हैं, जरूर आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट करके बाय कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए साथियों बहुत ही सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है इसमें डाले गए हैं, 78, 70, 14, 12, 38। आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्रॉस परागण के नियम निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, कारक नहीं पूछ रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कारक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो ये आप लोग का एएलपी टेक्निशियन में पूछा गया था, जल, जानवर, वायु या फिर पौधे, तो पौधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर पौधे। ध्यान रखिएगा साथियों, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पौधे जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पौधे। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन को। तो एक फूल के परागकोष से वर्तिकार्ग तक परागणों किस स्थानांतरण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये आप लोग का, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। दोस्तों बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, बोलने में भैया दिक्कत भी होता है, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है कि एक फूल के परागकोष से वर्तिकार्ग तक परागणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन तो नहीं कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है क्या, नहीं ये भी नहीं हुआ, यौन प्रजनन नहीं, परागण कहा जाता है भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर परागण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागण जो है डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो बताइए किसके द्वारा परागण जो है उत्पन्न किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे दोस्त, ये भी आप लोग का एएलपी टेक्निशियन का क्वेश्चन है, परागकोष होगा क्या बताइए, तो आप लोग परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, हाँ परागकोष होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर परागकोष। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि परागण डैश है, परागण क्या है भैया ये बताइए, टीसीएस पैटर्न का आधारित आप लोग का क्वेश्चन है, टीसीएस वाला क्वेश्चन साथियों बीबीआई रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के बीबीआई है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं टीसीएस वाले क्वेश्चन साथियों। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागण है, परागण क्या है भैया, तो देखिए परागण जो है ना स्टिग्मा से परागकोष तक पराग का संचार तो नहीं है भैया, ये नहीं होगा, स्टिग्मा से परागकोष तक पराग का संचार नहीं, पौधों में पराग का उत्पादन नहीं, ये भी नहीं होगा, परागकोष कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार, हाँ ये होगा भैया, यहाँ पर जो है उल्टा दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ये होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, परागकोष कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों। परागण क्या है भैया, तो परागकोष कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो हैं वो कौन से हैं, तो एएलपी टेक्निशियन का ये क्वेश्चन है साथियों, इसका हम लोग राइट आंसर अगर देख लेते हैं तो इसका सही आंसर आइए हम लोग देख लिया जाए, पराग संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं भैया, तो ग्लूकोज जल और फिर ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ग्लूकोज जल और फिर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज जल और फिर ऑक्सीजन है। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं, 3 कार्बन अणुओं का जुड़ करके ग्लूकोज बनाना, नहीं ये नहीं होगा, जल का बनना नहीं, जल का आयनीकरण नहीं, पर्ण हरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक प्रोटॉन से उद्वेलित होना, क्या कहता है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नांकित में से
दोस्तों आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, आप लोग के लिए इतना जो है सुबह से लगते हैं तो सुबह के देखिए 6 बजे से उठ करके लगते हैं तो रात के लगभग आप लोगों के 8 बजे तक जो है क्लास को हम कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट हो गया, नए नए जॉब्स का अपडेट हो गया, कुछ जॉब्स में बदलाव किए जाते हैं, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है या फिर एडमिट कार्ड आता है, सभी आप लोग को हम अपडेट देते रहते हैं। तो आप लोग से निवेदन करेंगे दोस्त, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, चैनल पर नए विजिट किए हैं तो वीडियो को शेयर करना आप भूलिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे छोटे भाइयों। आइए देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कौन से वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था भैया, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाई रॉबर्ट हुक को, नहीं मेल्विन केल्विन को, हाँ भैया मेल्विन केल्विन आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन के निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर मेल्विन केल्विन को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग यहाँ पर 70 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिकतम होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हम आप लोग को अगर बता दें तो सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 500 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम जो रहती है वह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, आप लोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो क्या हो गया भैया, आइए राइट आंसर देख लेते हैं। ALP टेक्निशियन का ये भी क्वेश्चन है, एब्सिसिक अम्ल होगा क्या, नहीं जिब्रेनिक होगा क्या, जिब्रेलिन होगा क्या, जिब्रेलिन नहीं होना चाहिए, साइटोकाइनिन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑक्सीन। पौधों में डैश हार्मोन, तो कौन सा भैया, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, तो ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए देखा जाए 90 नंबर क्वेश्चन, जल पौधों में गति यानी कि वाटर करंट के द्वारा हो वो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्त, आप सभी भाई को राइट आंसर बता दें, तो यहाँ पर हो जाएगा गैल्वेनोटैक्सिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, तो जितने भी भाई का अभी तक सही हुआ है, जितना सही हुआ है आप लोग से निवेदन करेंगे दोस्त प्लीज कमेंट करिए कि आप लोग का टोटल जो है 20 में से कितना सही हुआ है, 10 सही हुआ तो 10, 15 सही हुआ, 15 20 सही हुआ, 20 आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिए दोस्त कि आप लोग का कितना सही हुआ है। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा हमारे छोटे भाइयों। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑक्सीन का उपयोग है, तो ऑक्सीन का जो उपयोग है ना यहाँ पर क्या होगा देख लिया जाए, खरपतवार नाशी के रूप में है क्या, हाँ ये तो है आप लोग का। उसके बाद पत्तियों एवं फलों के झड़ने से नियंत्रण रखने में, हाँ ये भी है भैया, बीजरहित फल के उत्पादन में ये भी है, यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सभी। ध्यान रखिएगा ऑक्सीन का उपयोग जो है यह तीनों है भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, सभी का सभी। चलिए हम लोगों ने आज कंप्लीट किया साथियों सेट नंबर 53 को, इसी प्रकार कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 54 को, तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं प्लीज आप लोग से निवेदन करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। साथियों चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।